जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जिलाधिकारी ने की अभिनव प्रयोग की शुरुआत। बहराइच जनपद को कुपोषण मुक्त किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के अभिनव प्रयास के तहत स्वस्थ शिशु, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ किशोर एवं किशोरी, स्वस्थ गर्भवती महिला, किशोर मित्र विद्यालय, स्वच्छ कार्यालय, पोषण प्रेरक व पोषण चैंपियन विषय पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विकास भवन सभागार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सभी बाल विकास परियोजनाओं द्वारा पोषाहार से तैयार किए गए विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले स्टॉलों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के क्षेत्र में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिससे समाज में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता के संबंध में एक अच्छा संदेश जनमानस में पहुंचेगा, जिससे कुपोषण में कमी आएगी। कुपोषण मेला क्या उद्देश्य है इसका और क्या हुआ इसका? जी, अभी हम लोग सुपोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में आकांक्षात्मक जनपद होने के नाते और माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन के अपेक्षा अनुसार लगातार एक मुहिम चला रहे हैं। और हम लोगों ने जनपद स्तर से ये सोचा कि एक पहल, एक अभिनव पहल करते हुए हम लोग सब में एक उत्साह पैदा करें, ताकि ये मात्र टारगेट और पूर्ति के को सीमित ना रह जाए ये पूरी एक्सरसाइज और पखवाड़ा, बल्कि हमारे अपने कर्मियों में उत्साह हो, आम जनता इससे जुड़े, एक संवाद स्थापित हो, एक आंदोलन, एक क्रांति का ये रूप ले और सारे लोग एकजुट होकर के जब एक साथ आकर पोषण और स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि जनपद बहराइच बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और अपनी स्थिति में बहुत तेजी से सुधार लाएगा। इसी के परिपेक्ष में हम लोगों ने इसी सोच के साथ आज प्रतियोगिताओं का विभिन्न कैटेगरीज में आयोजन कराया। स्वस्थ बेबी, हेल्दी बेबी, स्वस्थ किशोरी, स्वस्थ प्रसूता, स्वस्थ गर्भवती महिला। हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में बहराइच का नाम एक अनोखे पहल के लिए जाना जाए और हम बेहतर रिजल्ट्स यहाँ के जनपद वासियों को दें।